हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज मैं आपके लिए एक ऐसा जॉब अपडेट लेकर आई हूँ जो कि आपके प्योरली वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली है। पैन इंडिया हायरिंग है, मतलब कोई लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं है, कोई लोकेशन का बैरियर नहीं है, हर कोई आप में से इसके लिए एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप में आते हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप हमेशा से सुनना चाहते थे, यहाँ पर आपके कोई इंटरव्यू भी नहीं होने वाली है, डायरेक्ट आपकी सिलेक्शन होने वाली है। किस बेसिस पे वो भी आगे मैं आपको इसमें बताऊंगी। बहुत सारे कैंडिडेट के कब से कमेंट्स आ रहे थे कि आप कोई ऐसा जॉब अपडेट भी बता दीजिए जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम हो, इंटरव्यू भी आपको ना देनी पड़े। तो बहुत बढ़िया अपडेट निकल के आया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे पता क्या है, एप्लीकेशन कैसे आपको सबमिट करनी है। वो प्रोसीजर थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपको ध्यान से समझ लेना है। बहुत इंटरेस्टिंग आपकी जॉब रहने वाली है, कोई वर्क का प्रेशर नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें वर्क कर सकते हैं। फिक्स सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है, प्लस अदर अलाउंस भी मिल सकता है एज पर नॉर्म्स। सो आपने वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखना है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन अपने सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clori.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वेबसाइट आप देख भी पा रहे हैं। अगर आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे तब भी फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट के बारे में, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, किस तरीके से आपको इसके लिए एप्लीकेशन को सबमिट करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अप्लाई कैसे करना वो ध्यान से समझ लेना, हर एक चीज़ उसी पर डिपेंड करती है। तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर स्क्रीन पर चलकर बताऊंगी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और वीडियो को प्यारा सा लाइक भी जरूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंपनी की बात करें तो ये अपडेट निकल के आ चुका है इंडिया मार्ट की तरफ से। इससे पहले मैंने आपको फरवरी में भी इस जॉब अपडेट के बारे में बताया था, तब भी हमारे चैनल के थ्रू काफ़ी सारे कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई थी, बट तब जॉब कोई और थी, उसमें इंटरव्यू था। लेकिन आज जो अपडेट है इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाली है। हर एक चीज़ को आपको ध्यान से इसके लिए समझ लेना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टाइमिंग की बात करें, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप फुल टाइम इसमें वर्क करते हैं, 20,000 पर मंथ आपको इन हैंड सैलरी इसमें मिलने वाली है। अगर हम यहाँ पे वर्किंग आवर्स की बात करें, मॉर्निंग में 10 AM से इवनिंग में 7 PM तक आप इसमें वर्क कर सकते हैं, कहीं भी नहीं जाना। सारा प्रोसीजर आपका वर्क फ्रॉम होम ही इसके लिए रहने वाला है। अगर यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो इंटरव्यू नहीं है, जब फॉर्म फिल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे आपको ये फॉर्म को फिल करना है, कैसे आपकी इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ जरूर से शेयर करना चाहूंगी। अगर आप RRB NTPC CB22 एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ऑलिव बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है, जहाँ पे फ्री टेस्ट अवेलेबल है। अपनी परफॉर्मेंस को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑल इंडिया लाइव टेस्ट है, 30 अप्रैल से 1 मई तक होने जा रहा है। इसी के साथ ऑलिव बोर्ड की तरफ से जश्न ईद अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है। जश्न ईद फेस्टिवल के मौके पर आपके लिए यहाँ पर SSC प्लस रेलवेज का अगर आप इलाइट टेस्ट लेते हैं तो आपको 500 प्लस टेस्ट मिल रहे हैं। इसी के साथ SSC प्लस रेलवेज का सुपर इलाइट अगर आप लेते हैं, इसमें आपको सारे कोर्सेस मिलेंगे विद नोट्स, और इसी के साथ 500 प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे। अगर आप कोड यूज करते हैं EID मीन्स ईद, तो आपको यहाँ पे वैलिडिटी के साथ साथ 30% का इंस्टेंट ऑफ मिल रहा है। 2x वैलिडिटी प्लस 30% ऑफ, जो कि 30 अप्रैल से 4 मई तक ऑफर चल रहा है। इसके लिए भी आप जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको दोनों डिस्क्रिप्शन में दी है। आपने सपोज दैट फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया, आफ्टर क्लिक आपको साइनअप करना है। आफ्टर साइनअप ये वाला इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे हर एक चीज़ इन्होंने मैंशन की हुई है। RRB NTPC CBT2 लाइव टेस्ट जो स्टार्ट होने जा रहा है, ये 30th को ही स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसके लिए जल्दी से लाइव टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा SSC प्लस
रेलवे का जो कॉम्बो ऑफर मैंने आपको बताया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट। अगर हम यहाँ पे जॉब प्रोफाइल की बात करें तो टेलीसेल्स के लिए ये अपडेट आया हुआ है एसोसिएट के लिए, जहाँ पर आपको सेलर्स का एक डेटा दिया जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, जहाँ पर आपको बस उनको कन्वेंस करना है इंडिया मार्ट से जुड़ने के लिए, बस अपनी तरफ से आपको कन्वेंस करना है, यही सिंपल आपका वर्क रहने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे, अप्लाई कैसे करना है और सिलेक्शन आपकी कैसे होने वाली है। अप्लाई के लिए पहले हम ऑफिशियल साइट पर चलते हैं, क्योंकि ध्यान से आपको समझना जरूरी है, तभी आपका इसमें सक्सेसफुली अप्लाई हो पाएगा। क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, हर कोई एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना आज से ही स्टार्ट हुआ है और मैं आपके लिए बहुत मेहनत से हर एक अपडेट लेकर आती हूँ। आपने इस अपडेट को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करना है। चलिए पहले चलते हैं ऑफिशियल साइट के ऊपर, वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कैसे अप्लाई कर लेना है। तो इस प्रोसीजर को आपको ध्यान से समझ लेना है। यहाँ पे देखिए पेज 1 of 11 कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा समझनी जरूरी है। ये सेल्स से रिलेटेड जॉब आपकी नहीं है, हर चीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। कहीं आप ऐसा ना सोचो कि आपको वो सेल करना है, सिर्फ आपको उनको कन्वेंस करना होगा इंडिया मार्ट के जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में, मतलब वो आपके साथ जुड़े। मीन्स अगर वो इंडिया मार्ट के साथ जुड़ते हैं उनको क्या फ़ायदा होगा। देखो आपकी वर्क फ्रॉम होम रहने वाली है, सीधा इनके ऑफिशियल साइट पर ही है हम। 20,000 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। हर चीज़ उन्होंने प्रोसीजर यहाँ पर मैंशन किया, आपको सबमिट करना है पहले फॉर्म को, उसके बाद उन्होंने हर चीज़ मेंशन किया। आपको एक स्मॉल सा टेस्ट देना होगा, एक आपको वीडियो बना के भेजनी होगी जो कि स्पेसिफाइड फॉर्मेट में होगी, आगे दिखाऊंगी आपको। उसके बाद ही जैसे आपकी सिलेक्शन होती है उसके बाद आपको इनको डॉक्यूमेंट्स देने, आपके सीधा ज्वाइनिंग होने वाली है। अब सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, आपको पहले इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा पर्सनल डिटेल्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, फ्रॉम वेयर डिड यू हेयर अबाउट दी जॉब, आपने जॉब के बारे में कहाँ से सुना, इंडिया मार्ट के करियर पेज से सुना, नौकरी से सुना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अदर्स, जो भी ऑप्शन आप चाहो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कंप्लीट नेम मेंशन करना है, मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको मेंशन करनी होगी। आप किस एज ग्रुप में आते हैं, 18 से कम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपकी एज 18 to 21 के बीच में है तो यहाँ, 22 से 25 के बीच में है तो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 26 to 29 के कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, 30 to 35 कैंडिडेट यहाँ पर, 35+ भी एलिजिबल है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हर एक लोकेशन के लिए वैकेंसीज आई हुई है, आप जो भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने आप पंजाब सेलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पे योर आंसर मेंशन करना है, आप पंजाब में आप किस सिटी से हो वो सिटी यहाँ पर हमें मेंशन करनी होगी। जैसे आप जिस जगह की हो वहाँ पर आपको वो चीज़ मेंशन करनी होगी। अब मैरिटल स्टेटस मेंशन करना है, आप मैरिड है या अनमैरिड है, अगर मैरिड है तो क्या आपके किड्स है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, आर यू स्पेशली या फिर डिफरेंटली एबल्ड, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। कौन सी लैंग्वेज आप जो है वो आप करेक्टली स्पीक कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हिंदी है तो हिंदी पे सेलेक्ट करना, इंग्लिश है तो इंग्लिश, अगर कोई अदर है तो अदर पे सेलेक्ट करना, जैसे तमिल, तेलुगु, गुजराती, ये अलग के लिए हैं। कोई इसके अलावा भी कोई और तो आपको अदर पे सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आप इंग्लिश या फिर हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कर लिया यहाँ पे देखो पेज 2 of 11, तो यहाँ पे अब हमने जाना नेक्स्ट पेज पे। लेकिन मैंने हर एक चीज़ यहाँ फिल नहीं की है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे सिर्फ मेंशन करनी होगी। तो जैसे मैंने अपनी लोकेशन यहाँ पे मेंशन कर दिया, अब हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अब अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी होगी, 10th 12th आपने ग्रेजुएशन की है या मास्टर्स की है या PhD की है, जो भी आपकी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। 10th में आपके कितने परसेंट है, 12th में कितने परसेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करके अदर डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, छोटा सा आपका एक टेस्ट होगा, जैसे वो आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फिर आपके बस वो ज्वाइनिंग ही है, सीधा आपको फिक्स सैलरी इसमें मिलने वाली है।
सो जो स्टेप मैंने आपको बताया इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको अप्लाई करना है। सिलेक्शन का जैसे मैंने आपको पहले भी इसमें बताया, सिलेक्शन आपके कैसे होने वाले, आपका एक स्मॉल सा टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपको सिंपल सी एक वीडियो बनाकर भेजनी है, वो वीडियो का फॉर्मेट आपके सामने आ ही जाएगा, बस उसके बेसिस पे आपकी इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाली है। किसी टाइप की कोई इंटरव्यू नहीं है, अगेन रिपीट करूँगी, हर कोई आप में से एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट टाइम मैंने ये अपडेट देखा है इंडिया मार्ट की तरफ से, यहाँ पर आपके पार्ट टाइम भी अवेलेबल है, फुल टाइम भी है, मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है, क्लिक करके इन्फॉर्मेशन लेकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।